अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शीरीन हुसैन एंड यू आर वाचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल डेज एंड नाइट्स ऑफ इस्लामाबाद। आज मेरे साथ, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी एक गेस्ट भी है, शी इज़ डेंटिस्ट एंड शी हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड एकेडमिक्स। ये किंग एडवर्ड से ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने यूनाइटेड किंगडम से किया है। तो एक जो चीज़ थी जो कि मैंने मतलब बीइंग इन प्रोफेशनल लाइफ एंड इवन सम ऑफ माय पर्सनल फ्रेंड्स एंड पीपल इन माय सोशल सर्कल, जो चीज़ एक मैंने ऑब्जर्व की थी और जिस पे मैंने बात करनी थी, जो कि एक बहुत सोशल इशू है, इम्पॉर्टेंट, कि जो आपकी माउथ ऑर्डर होती है, कि अगर आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, नो मैटर हाउ गुड यू लुक, नो मैटर हाउ वेल ड्रेस्ड यू आर, अगर आप किसी से बात करें और आपके मुँह से स्मेल आए, तो ये आपकी पर्सनालिटी को एकदम नीचे ले आती है, एकदम ज़ीरो कर देती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ लोग कम तवज्जो देते हैं। अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है या आपके दांत जो हैं वो गंदे हैं, देखने में गंदे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो एकदम दूसरे की नज़र में बिल्कुल, मतलब मेरी नज़र में तो एटलीस्ट वो बंदा बिल्कुल ही नीचे आ जाता है, चाहे वो जितना भी गुड लुकिंग हो, साफ़ सुथरा हो, जितना भी वो वेल ड्रेस्ड हो। तो ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को। तो मैं ख़ुद इस पे बात करना चाह रही थी, तो लकीली आई हैव डॉक्टर शायदा विद मी एंड एज शी इज़ प्रोफेशनल डेंटिस्ट, तो मैंने सोचा कि ये भी अपनी थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर राय का इजहार करें कि किस तरीके से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा इसके नुकसान क्या क्या हैं। एक तो एस्थेटिकली तो नुकसान है ही है कि आपकी पर्सनालिटी को ये बहुत अनअट्रैक्टिव बना देती है ये चीज़, और मतलब आप जितने भी प्लीजिंग लग रहे हों, अगर आपकी ज़रा सी भी स्मेल आ गई है मुंह से, तो वो बहुत मतलब एक नेगेटिव आपकी पर्सनालिटी के लिए हो जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है। बाकी थोड़ा सा हम डॉक्टर साहबा से पूछेंगे कि ये इस बारे में क्या कहती हैं। और एक चीज़ ये कि जो मतलब मेरी पर्सनल सजेशन है सोशली, कि जब आप किसी से बात करें, एक दफ़ा थोड़ा सा एक ना सोशल मतलब उसको नॉर्म्स को सामने रखते हुए, इवन अगर फीमेल फीमेल से इंटरेक्ट करी है, मेल मेल से भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रख के बात करें, दूसरे के मुंह के इतना करीब ना हो कि गैर ज़रूरी आपके जो है ना वो मतलब आपके मुंह की ऑर्डर, अगर इवन इफ़ इट्स नॉट बैड तो वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा एक रीज़नेबल डिस्टेंस पर रह के आप बात करें, और स्पेशली जो लोग स्मोकर्स हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो तो काफ़ी दूर भी बैठे हो तो स्मोकिंग की स्मेल, और कुछ लोगों के लिए बहुत नाकाबले बर्दाश्त होती है स्मोकिंग की स्मेल। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एंड नाउ ओवर टू डॉक्टर शायदा कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच शीरीन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इस अहम मौजू के ऊपर बात करूँ। आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं इससे एग्री करती हूँ, आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जो आपने अभी कही कि आप बेशक कितना ही अच्छे तरीके से ड्रेस्ड अप हों और आपकी पर्सनालिटी अगर प्लेजेंट भी है, तो अगर आपके दांतों की सफाई, अगर आपके मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो आपका काफ़ी उसका इम्पैक्ट फैक्टर बनता है जब आप किसी के साथ सोशली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी जो है वो मुँह की सफाई जो है वो ज़रूरी है, अदर देन दैट कि वो एस्थेटिकली आपके लिए काफ़ी एक रोल प्ले करती है। लेकिन अपने मुंह की सफाई रखना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एक गेटवे है टुवर्ड्स आवर बॉडी, रेस्ट ऑफ द आवर बॉडी सिस्टम। तो हम दिन में कितनी दफ़ा कितनी चीज़ें खाते हैं, तो उसकी सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जैसे हम अपने बाकी बॉडी की सफाई का एहतमाम करते हैं। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुन्नत रसूल भी ये है कि वो मिसवाक या दांतों की सफाई के ऊपर, और नमाज, हर नमाज के बाद भी मिसवाक की उन्होंने ताकीद की है। लिहाजा इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर बेसिक हाइजीन। ठीक है, जहाँ तक बात है कि मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं मुँह की, जो कि आपके कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी जनरल हेल्थ में भी, उसमें एक तो दांतों का कीड़ा लगना, मसूड़ों की बीमारी, या आपकी कोई ऐसी जिस्मानी बीमारी जिसके जो है ना मैनिफेस्टेशंस होती है आपके मुँह में भी, यानी कि इस तरह की कोई आपकी बीमारी हो तो उसको भी आप ओरल कैविटी में भी उसके कुछ ऐसे हमें सिम्टम्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक बात है कि सांस की बदबू की, एक तो कुदरती एक वो चीज़ है
और एक वो है कि जिसमें आप अपनी अगर सफाई का ख्याल ना रखें तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आती है या एक नाखुशगवार स्मेल जो है वो आप फील करते हैं सोशल इंटरेक्शन में। जहाँ तक दांतों की कीड़ा लगने का ताल्लुक है तो जो बेस्ट टाइम है उसके बारे में मैं सिर्फ आम पब्लिक को यही बताना चाहूँगी कि बच्चों को जो है वो टूथब्रश और टूथपेस्ट की आदत डालें, क्योंकि वो ख़ुद तो ये अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते। तो जो पेरेंट्स हैं या जो वालदैन हैं वो इसमें एक इंटेग्रल पार्ट प्ले कर सकते हैं उनकी दांतों की सफाई में, स्पेशली रात को सोने से पहले। आप जो 3 to 5 ईयर्स की एज के बच्चे हैं वो ज़्यादातर दूध पीते हैं और बहुत सी माएँ उनको रात को जब उनको भूख लगती है तो वो फीडर दे देती हैं। अगर उसमें शुगर ना भी हो तो फिर भी वो जो है ना दांतों के कीड़ा लगने का सबब बन सकता है। तो इस चीज़ में एहतियात करें कि उसको जो है दूध पिलाने के बाद आप उसकी ब्रशिंग जो है वो उसकी करा के सोएं, और अगर रात को कहीं उसको भूख भी लगे तो आप उसको नॉर्मल पानी का फीडर दे दें ताकि उसके कीड़े से जो है वो बचाव मुमकिन हो सके। सफाई के साथ साथ उनके जो ग़िज़ा है उसमें मीठे इस्तेमाल कम करें, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं मीठा उनको जो है वो आप पसंद भी करते हैं और उसके अलावा भी जो है वो आप उनको प्यार के तौर पे भी देते हैं, लाड के तौर पे भी देते हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि खाने के साथ ही आप उसको यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर को आप कम कर दें। बच्चों की जो टूथपेस्ट है जहाँ तक वो बात है वो बड़ों की टूथपेस्ट से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, उसमें फ्लोराइड कॉन्टेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू बड़ों की टूथपेस्ट के। तो आप उसमें भी पी साइज़ जो है अमाउंट वो यूज़ कर सकते हैं, और उसमें भी हम यही एडवाइस करते हैं कि वो कुल्ली ना करें ताकि जो फ्लोराइड का टॉपिकल इफ़ेक्ट है दांतों के ऊपर वो रहे। ठीक है, मसूड़ों की जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक है तो मसूड़ों की सफाई भी दिन में, जैसे हम आप हर जगह आजकल एड्स में देखते हैं दिन में 2 दफ़ा आप अपने दांत साफ़ करें, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले की अहमियत ज़्यादा है, वो इस वजह से कि रात को जितने भी आप चीज़ें खाते हैं और जो सलाइवा है हमारा जो लोआब है ये बड़ा इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है कैरीज़ में। तो अगर जो है वो रात को आप दांत साफ नहीं करते तो ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं एसिड्स में और जो है ना ये दांतों के कीड़ा लगने का और मसूड़ों की बीमारियों का भी सबब बनते हैं, जो बाद में मसूड़ों से खून आना, दांत हिलना और फर्दर जो है ना इसमें ख़राबी जो है वो पैदा हो जाती है। तो अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश कर लें एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स तो ये आपको बहुत से अमराज से बचा सकती है। और दूसरी चीज़ ये वो जो कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स द 9, वैसे भी डेंटिस्ट के बारे में ये मशहूर है कि वो लोग काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए कि इसका इलाज जो है ये आपके अपने इख्तियार में है। अगर आप ये अपनी रूटीन को बनाएं और अपने डेंटिस्ट को साल में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा भी अगर आप चेक करवाएँ और अपनी जो सफाई है उसका ख्याल रखें तो आई थिंक आपको हमें देखने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, और इसके अलावा दांतों का इलाज वाकई एक्सपेंसिव है, लेकिन इससे बचाव की यही एक चीज़ है कि वो करें कि आप हमें रेगुलरली विज़िट करें एटलीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है, और जो स्मोकिंग है ये एक रिस्क फैक्टर है, इसमें अगर जो है कोई चीज़ अगर नॉर्मल रेट पर ख़राब होगी तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ के ख़राब होने के चांस बढ़ जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये देखें कि जिससे डायबिटीज़ है ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजह से भी अगर वो कंट्रोल्ड नहीं है और बाकी जो है जैसे दिल के अमराज उसमें भी बढ़ने का खदशा रहता है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपने जो है ना वो दांतों की सफाई के साथ साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप उसको भी कंट्रोल में रखें, और अगर आप स्मोकिंग की आदत है आपको तो उसको भी जो है ना अगर आप हेल्प लें अपने डेंटिस्ट से तो वही आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग करके स्टॉप स्मोकिंग की बेशुमार टेक्निक्स बता सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक यू सो मच। ओके, आई होप कि आज की मेरी वीडियो काफ़ी प्रोडक्टिव रही होगी, क्योंकि इसने जनरल पब्लिक के लिए एक प्रोफेशनल उससे मैंने एक काउंसलिंग सेशन कह लें आप या उसको एक अवेयरनेस सेशन कह लें वो आज कंडक्ट करवाया है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।